सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई चैनल। गाइज कैसे हो सारे? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइज वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि गाइज कुछ इशू था, मेरा तबीयत खराब था यार, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। सो गाइज इसके लिए सॉरी। तो आज मैं कुछ अमेजिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आया, तो वीडियो को पूरा देखना यार लास्ट तक, और पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज अगर चैनल पर नया है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर लेना, ताकि नए नए अपडेटिंग की वीडियो आपको रेगुलर मिला करेंगे। तो चलिए, आपका जो ये बैकग्राउंड है इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना। उसके बाद कुछ इस तरह से आप अपना पोज ले लेना, ठीक है? और पोज लेने के बाद इसको आप लोग जूम करके कुछ इस तरीके से, उसके बाद में इसको आप क्या कर लेना है, यहाँ से कर लेना इरेज, ठीक है? साइज को, हार्डनेस को हम लोग फुल कर देते हैं, उसके बाद साइज को थोड़ा कम रखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग करते हैं इरेज। सो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। सो जो भी मैं PNG बैकग्राउंड यूज़ करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ये मैं इजिली कर रहा हूँ यहाँ से इरेज। सो गाइज आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपना अच्छे से इरेज कर लेना बैकग्राउंड, ठीक है? सो मैंने इरेज कर लिया इरेज, आप लोग ऐसे कर लेना। उसके बाद इसको एडजस्ट कर देना, इससे मतलब बैकग्राउंड पे एडजस्ट हो जाए अच्छे से। उसके बाद में गाइज इसको कर देना ऊपर से डन। सो ये मेरा हो गया है, अब मैं इसको कर देता हूँ ऊपर से, इसको यार डन कर देता हूँ। ये कुछ मैं देख रहा हूँ तिरछा तो नहीं है यार, नहीं ये सही है, इसको मैं कर देता हूँ डन। सो नेक्स्ट स्टेप ऐड फोटो पे फिर से जाना, एंड जा करके वहाँ पे जाना, तो ये जो PNG में दे रखा हूँ पिकाचू का, इसको ऐड कर लेना, ठीक है? सो गाइज मैं इसको ऐड करता हूँ, और इसको मैं कहाँ एडजस्ट करूँ, मैं इसको देखता हूँ थोड़ा तिरछा करके, रोटेट करके। सो यार ये तो एडजस्ट नहीं हो रहा है। सो चलो इसको मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ। सो गाइज मैं इसको दूसरी तरफ से मतलब रोटेट करके इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। सो गाइज ये एडजस्ट हो गया है, ये देखो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठा देना अच्छे से। सो ये देखो, ये मैं इसके कंधे पे अच्छे से यहाँ थोड़ा बैठा देता हूँ, ये सही है। तो इसको डन कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। एक और PNG है लाइट का, उसको मैं देता हूँ इसको ऐड करके, इसके पूछ से जो पिकाचू के निकाल देना। तो ये सारे PNG आप और बैकग्राउंड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ये देखो यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है? अब इसको डन कर लेते हैं। अब चलना है क्या FX वाले मोड पे, ठीक है? कुछ मैं अलग करके आप लोग को दिखाऊंगा। FX पे जाना है, एंड FX पे जा करके आपको से थर्ड वाले पे चूज करना है। अब थर्ड वाला ही सही लग रहा है। अब इस पे जा करके हम लोग मल्टीप्लाई कलर बर्न डार्कन लाइटन स्क्रीन ओवरले सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट डिफरेंट मतलब सब मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है? अब मैं इसको मतलब जो इसके कपड़े पे चला देता हूँ, आप लोग कर लेना ऐसे कुछ, ठीक है? अब मैं जल्दी जल्दी इसको ब्रश कर देता हूँ। सो प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर देना, ठीक है? और मैं इसको ब्रश कर देता हूँ, तो मैं इसको धीरे धीरे ब्रश कर दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे कर देना, ठीक है? सो ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ, और मैं फिर से बोल रहा हूँ जो भी मैं यहाँ पे मैं भी यहाँ पे बैकग्राउंड या PNG यूज किया, सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पे ये हो गया, कपड़े पे ब्रश कर रहा हूँ, ये देखो। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा मैं टाइम ले लिया, सॉरी इसके लिए, ऐसे आपको स्टेप बाई स्टेप बताना मेरा यार काम ही है। सो पैंट पे नहीं अच्छा लग रहा है पेंट, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पैंट पे, ठीक है? उसके बाद में मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको ब्रश कर देता हूँ, उसके बाद इसको कर देता हूँ डन। अब ये यहाँ से हमारा डिलीट हो गया पिक्सआर्ट से। अब मैं इसको ले चलता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में, तो उसके लिए जाना होगा इसको ड्रा टूल पे। वहाँ पे ड्रा टूल में जाने के बाद में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से सेव कर लेना, ठीक है? अब ये आ गया लाइटरूम में, मैं इसको ऐड कर लिया हूँ। अब लाइटरूम में आने के बाद में यहाँ पे ये जो टेम्पल ऑप्शन है, वहाँ से मैं कलर करेक्शन करूँगा, आई शॉट को कस्टम कर लिया। उसके मिक्स पे जाने के बाद इसके रेड को जो है लुमिनस को बढ़ा के सेचुरेशन को कम कर देंगे, जिससे फेस पे क्लियरिटी आएगी। एंड सेकंड स्टेप पे जाके सेम वही काम करेंगे, लुमिनस को ज़्यादा और सेचुरेशन को कम। एंड येलो पे जा करके इसके ह्यू को कम करके देखते हैं, तो कुछ पिकाचू हमारा ख़राब हो जा रहा है। तो मैं इसको रखता हूँ, मतलब आप लोग देख रहे हो मैं कलर करेक्शन कैसे कर रहा हूँ। अपने कपड़े और बैकग्राउंड तो ये रहेगा, कपड़े के हिसाब से आप लोग अपना कलर करेक्शन कर सकते हो गाइस। सो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो कुछ इस तरीके कलर करेक्शन आप लोग कर लेना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप डेली रेगुलर वीडियो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। गाइस कुछ इशू था इसीलिए वीडियो नहीं मिल पा रहा था।
सो यहाँ पे आप लोग कलर करेक्शन कुछ इस तरीके से कर लेना, बाकी का आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ल्यूमिनस को मैं कम कर, मतलब आप लोग कर लेना यार, ऐसे ही बहुत सिंपल है, आप लोग वीडियो में देख के कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है मैं कर रहा हूँ, और ये देखो ह्यू को यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है, एंड सेचुरेशन को कर दिया है कम, ल्यूमिनस को ज़्यादा करके पिंक वाले का जो है इसको मैं बढ़ा देता हूँ ह्यू को, ठीक है, एंड सेचुरेशन को कर देता हूँ थोड़ा सा कम, एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देता हूँ। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आ रहा है, कलर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। सो यहाँ पे बिफोर देन आफ्टर आप लोग देख सकते हो, मैंने फिर सेकंड स्टेप पे जाना है, एंड फिर क्लियरिटी को कम रखना है जिससे फेस जो है स्मूथ आएगा, एंड मैं क्लियरिटी को रख लेता हूँ थोड़ा सा कम, फेस स्मूथ हो गया, एंड विगनेट को जो है कम कर लेना है, ठीक है, एंड फीदर को जो उसको 100 कर देना है, एंड राउंडनेस को भी 100 कर देना है। सो राउंडनेस को हमने 100 कर दिया है, तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है इसलिए विजनेट को थोड़ा सा मतलब कम करते हैं या मतलब बढ़ा देते हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप पे जा करके आप लोग को ये सब बढ़ा देना है, जिससे कलर वाइज डायरेक्शन स्मूथनेस, जिससे फेस पे स्मूथनेस आ जाएगी। सो ये हो गया मेरा विजनेट और थोड़ा सा, एंड अब ये गाइज हो गया मेरा फोटो एडिट, एंड बिफोर देन आफ्टर देख सकते हो। तो गाइज वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइज चलिए आज के लिए वीडियो में सीधे, तब तक के लिए बाय बाय।